जो चप्पल जूते उतार के घूम रहे हैं उनकी बीवियां उनके साथ नहीं हैं और वो चले कौम की रहनुमाई करने। कप हमारा, चाय हमारी, कोई और कैसे पिएगा भला। वो दिन दूर नहीं कि आखिरी मिलिट्रेंट को भी खलास किया जाएगा। ये कहने का मकसद है जो कि यहाँ 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, क्या 30 आदमी चलते हैं तो 300 दिखाते हैं आप मीडिया वाले, वो बात छोड़िए, ये सब ड्रामा है। और 36 लाख लोगों में से चंद लोग जूता उतार के रोड पे चलने लगे तो आप गुजर कम्युनिटी को सबको बदनाम मत करो। ये कुछ लोग थे, कुछ लोग आप खुद को एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे भोले भाले लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ कश्मीर का फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अहमद। आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे कि जो कि आज सुर्खियों में है, जैसे कि पहाड़ी और बकरवाल के लोग रोड पे हैं। वही आज एसटी मोर्चा बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जुनैद अहमद खटाना से बात करेंगे इस हवाले से कि क्यों लोग के खिलाफ नारेबाजी करें, वो भी एसटी के लोग जिनकी मिसाल दी जाती थी कि ये लोग अमन पसंद लोग हैं। जी जुनैद साहब, प्रेस ट्रस्ट ऑफ कश्मीर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और पारी अपनी पूरी कौम को सलाम पेश करता हूँ। आज एसटी के लोग क्यों रोडों पे आए हैं? एसटी के लोग रोडों पे नहीं आए, अगर एसटी के लोग रोडों पे आते तो कोहराम मच जाता, पूरे कश्मीर शायद सड़कों पे जगह ना मिलती। कुछ चंद लोग रोड पे आए हैं और कुछ यहाँ पे कुछ खुद को कौम के लीडर के नाम से कुछ लोग आप खुद को एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे भोले भाले लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चप्पल जूते उतार के घूम रहे हैं उनकी बीवियाँ उनके साथ नहीं हैं और वो चले कौम की रहनुमाई करने। ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ये कहाँ से शुरू हुआ, ये किन पार्टियों के वर्कर हैं, किन पार्टियों के हैं, उन लोगों के चमचे हैं जो पिछले 50 साल से राज करते थे, आज उनको ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने निकाल बाहर फेंका जैसे मछली को तालाब से निकाल के फेंक दिया जाता है और वो तड़पती है। आज वो तड़प रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे कुछ लोगों को। मुझे यकीन है कि वो भी बहुत जल्द समझ जाएंगे, अभी कोई फैसला आया नहीं, पहले से ढोंडोरा और हंगामा पीटने वाले लोग ये मुनाफिक होते हैं और ये उनकी चाल है ताकि गुज्जर लोगों की, जैसे कि हमारे गृह मंत्री जी ने तारीफ की, गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी अमन पसंद लोग हैं और देश की हिफाजत में ये फ़ौज के साथ खड़े होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होते हैं। तो ये बात उनको हज़म नहीं हुई, कुछ लोगों को उन्होंने इन्हीं में से कुछ लोगों को ख़रीद के सड़कों पे उतार दिया कि आप ऐसे करो ताकि दागदार हो जाए गुज्जर पहाड़ी और बकरवाल को। हम सब एक हैं, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी भाई, उन्हीं लोगों का जो अभी रोड पे है उन्हीं का ये इल्ज़ाम है कि जो एक्शन बिठाई गई थी, जो ये फैसला करेगी कि एसटी किनको दिया जाएगा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। मेरे भाई बात सुनिए, कोई रिश्तेदार तो था नहीं, ना मेरा और ना गुज्जर का, ना बकरवाल का और ना पहाड़ी का, कि वो गलत रिपोर्ट क्यों करेंगे। जो भी रिपोर्ट जाती है सही जाती है। अब सामने वाले की हक में अगर उस लगा, हमारे कुछ लीडरों को लगा कि इससे क्या है कि और ज़्यादा कौमियत मजबूत होती है, तो वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं। वरना जो भी टीम यहाँ पे आएगी उनको सच्चाई का साथ देना होता है, वो किसी का फेवर नहीं करते, वो आपके हक में ज़्यादा और मेरे लिए कम नहीं बोलेंगे, वो बराबर का फैसला करेंगे क्योंकि उनको कोई लालच नहीं होती है। वो दूसरी जगहों से आते हैं और यहाँ आके वो सही हक की बात जो है वो आगे तक ले जाते हैं। इसमें ये मफाद परस्त लोग कहते हैं कि वो गलत है, असल में जो सवाल उठा रहे हैं वो लोग गलत हैं। आप मुझे ये बताइए, वो वही लोग जो आज सड़कों पर हैं जिन्हें आप बोल रहे हैं कि ये इनके बीवियाँ अपने साथ नहीं हैं तो ये क्या कौम की सरबराई करेंगे, वही लोग कह रहे हैं कि जो अपर कास्ट के लोग हैं जिनकी अपनी जागीर है, ज़मीनें हैं, यही बकरवाल पहाड़ी लोग उनके घरों में काम करते थे, जिनकी अपनी परमिट ज़मीनें नहीं है अभी तक,
तो वो कह रहे हैं कि उनको इस पे ऐड किया गया और हमारे जो कोटा है वो 10% है, जब वो लोग भी इसमें ऐड हो जाएंगे तो हमारे लिए कौन सा इंसाफ है। देखिए सबसे पहले आप कह रहे हैं सड़कों पे गुज्जर कम्युनिटी गुज्जर बकरवाल सड़कों पर उतर आए हैं क्या, खुद मान लीजिए 36 लाख लोगों में से चंद लोग जूता उतार के रोड पे चलने लगे तो आप गुज्जर कम्युनिटी को सबको बदनाम मत करो। ये कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ के पुराने राज करने वाले लोग हैं जिनसे वो छीन गया है उनका वो खुफिया ख़जाना, अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जम्मू से कुछ लोग आके कंगन हमारे बुज़ुर्गों का हवाला देख के अपनी रिप्टेशन बना रहे हैं, ये सब गलत है। वो भोले भाले लोगों को उसका रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों पर FIR होना चाहिए जो कि जम्मू से या दूसरी जगहों से आके गांदरबल कपवारा और गांव देहात के लोगों को उसका कर उनको गलत राह पे चलने के लिए तैयार करते हैं। अभी तक ST का कोई हतमी फैसला नहीं आया है। और आप मुझे एक आपसे सवाल करता हूं कि अमित शाह जी ने कपवारा और पुंछ राजौरी में ये बात कही है कि हम पहाड़ियों के साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये बात उन्होंने वाज़ह तरीके में कही कि गुज्जर बकरवाल के हक के साथ एक ज़रा भी छेड़ा नहीं जाएगा। अब आपको भरोसा है अमित शाह जी की इस बात पे, इन लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आपको भरोसा है कि वो पहाड़ियों को देंगे, इस बात पे भी भरोसा करो ना कि उन्होंने कहा कि गुज्जर पहाड़ी के हक के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, फिर इस चीज़ पे आप क्यों नहीं एतबार करते। वो गृह मंत्री हैं, वो सबके हैं, उनके लिए पहाड़ी अलग गुज्जर अलग और ये बकरवाल अलग नहीं है, वो सब के साथ इंसाफ से चलेंगे, उनको कोई लालच नहीं है, वो इख्तदार में हैं, वो इस चीज़ की भूख नहीं है कि मैं लोगों को ठग के अपने साथ जोड़ूं और मैं इख्तदार। आपका कहने का मकसद ये फिर है JNK के गुज्जर बकरवाल लोग हैं, तो क्या आपका ये कहने का मतलब ये है कि वो जो ये अभी मार्च चला रहे हैं पैदल मार्च, क्या वो इनके सपोर्ट में नहीं है? मेरे भाई यहाँ पे 35-36 लाख गुज्जर बकरवाल लोग हैं, तो चंद लोग निकले हैं, कुछ सैकड़े भी बराबर नहीं हुए, तो 60,000 की तो बात दूर है। हजूम में अगर 20 आदमी चलते हैं तो 300 दिखाते हैं आप मीडिया वाले, वो बात छोड़िए, ये सब ड्रामा है। और कहाँ मीटिंग हुई है, किसी तालिब को कहाँ बुलाया गया, उसने किन लोगों को शामिल किया है, ये कौन से लोग हैं, वो लोग हैं जिनके हाथ से वो छिन गया है, जो इन्होंने जागीरदाराना राज रखा था वो ख़त्म हो गया, अब उनके ये मोहरे हैं जो सड़कों पे उतरे हैं। गुज्जर बकरवाल तब तक खामोश है जब तक कि उनके हक के साथ छेड़ा ना जाए, जब छेड़ा जाएगा तब सारे सामने आएंगे, उनके साथ हम भी होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो गुज्जर बकरवाल का हक है वो बिल्कुल महफूज है और इंशाल्लाह महफूज रहेगा, पहाड़ियों को अलग से मिल रहा है और इंशाल्लाह ताला जिस दिन ऐलान होगा हम गुज्जर भाई भी रोड पे निकल के पहाड़ियों के खुशियों में शामिल होंगे, उनका अलग से उनको हक मिल रहा है, इसमें कोई भी ये जाती राय नहीं है किसी की भी। तो वो जो गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी लोग जिनको अभी आपके कि उनको प्रिवो किया जाता है जो कि 70 साल पहले राज चलाते थे उन्हीं के मोहरे हैं, तो उन पहाड़ियों गुज्जर बकरवाल लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जो अभी भटक रहे हैं रोड पे, पहले वो जानकारी लें, पहले वो देखें फैसला क्या आता है। अगर गुज्जर बकरवाल के हक के साथ अगर छेड़ा जाता है फिर आप रोड पे आइए, हम भी निकलेंगे आपके साथ, वरना अभी कोई फैसला आया नहीं तो पहले से आप ढुंढूरा पीट रहे हो, यानी कि आपको डर है, उन लोगों को डर है जो जम्मू कश्मीर पर हुकूमत क्या करते थे, आज उनको डर है कि हम लुट गए, हमारे साथ कोई नहीं है। आज PDP आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नहीं निकलेंगे उस तरीके से जिस तरीके से पहले निकला करते थे, अब उन्होंने ये एक हथियार बनाया है गुज्जर बकरवाल लोगों को इस्तेमाल करने का, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो लोग भटके हुए हैं वो भी उनको भी अफसोस होगा कि हमने गलत किया, क्योंकि हमारी कौम के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, हमें उम्मीद है। कप हमारा चाय हमारी, कोई और कैसे पिएगा भला, आपके सामने मैं चाय कप में डाल के रखूँगा तो वो आप ही पियोगे। इसी तरह हमारी ST जो है
वो चाय और कप की मिसाल मैं दे रहा हूँ कि वो हमारा हक है, हमारा ही है। और पहाड़ियों के लिए अगर मरकज़ ने अच्छा सोचा है तो हम उनके साथ खड़े हैं। ये चाय और कप वाली बात मैंने आपको कही, इस पर सोचिए आप ज़रा। बार बार यही सवाल होता है कि जनाब इसमें अपर कास्ट के लोग, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप ये हमें बता सकते हैं और इन लोगों को बता सकते कि अपर कास्ट के लोग से इन जो आपके कहने के मुताबिक कि चंद लोग हैं इनको उनसे क्या मकसद है? वो बोल रहे हैं कि जी अपर कास्ट में ऐड किया गया है, हमारे बच्चों को नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी जो है, नारा आपने हजार बार सुना होगा मोदी जी का नारा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी में ये गुंजाइश नहीं है कि कुछ लोग बैठ के ऐश करें और कुछ लोग तड़पें, नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मकसद यही है कि पूरे हिंदुस्तान में, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अगर ऐसा होता है तो फिर हमें शर्म आएगी कि हम कहेंगे कि हम जो हमारी हुकूमत है मरकज में, हम बीजेपी वाले। हाँ, तो हम बीजेपी में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी के साथ जाती हो, कोई पलंग पे सोए और कोई रोड पे पड़ा रहे, नहीं। हम सबको एक बराबर करना चाहते हैं। जो पिछले हुकूमतें यहाँ पे रही हैं, जिन्होंने सोने के तख्त ताज बनाए, हम चाहते हैं कि वो भी उसी ज़मीन पर सोए जिस पर एक आम गरीब सो रहा है। उनको पता चले कि लोगों का हक मारना क्या होता है। उनसे चुन चुन के और गिन गिन के हम हिसाब लेंगे इंशाल्लाह ताला, और उनको हिसाब देना। आपके कहने का मकसद है जो कि यहाँ 70 साल से हुकूमत करें, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, क्या उनसे चुन, मतलब आप बोल रहे इंशाल्लाह इन पाई पाई का हिसाब? ये कौम का पैसा है जो तख्त व ताज बना के रखे ना इन्होंने। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं जी फारूक अब्दुल्ला साहब ये, महबूबा जी वो ड्रामे कर रही है। ये सब लोग समझ चुके हैं। आज क्यों नहीं लोग महबूबा जी के आवाज़ पे सड़कों पे आते? आज फारूक अब्दुल्ला साहब चिल्ला रहे हैं कि फारूक साहब क्यों जवाब देंगे, उनसे पूछो यार तब आपका ये ज़मीर कहाँ था जब लोगों को यहाँ पे कत्ल किया जाता था, पूछता कोई नहीं था इसको कैसे मारा गया, वो कौन सा घर है कश्मीर में जिसमें इस जुल्म का शिकार नहीं हुए लोग? लोगों ने जुल्म सहा है, लोगों ने तकलीफ़ सही है, तब ये मालिक थे यहाँ के, तब ये क्यों मरकज़ को लिखते थे जी या नॉर्मल है? आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी हद तक जम्मू कश्मीर को सुधारा है, बनाया है, संवारा है, आज ये सवाल करते हैं, हाँ जी आप कह रहे हो अमन है, क्यों नहीं अमन? आपके दौर में तो आपने आप एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में लोग कतराते थे, आज तो अमन है, आज तो चैन की नींद सोते हैं लोग, रातों की नींद हराम हो जाती थी, कुत्ता अगर भौंकता था बाहर तो अंदर सोया हुआ आदमी खलल हो जाता था, क्या पता कौन सी पार्टी आएगी, आज तो अमन है, कहाँ है मिलिटेंसी? 1990 में जो हालात थे वो तो नहीं है, 96 में फिर इन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तब जो हालात थे वो तो नहीं है आज। उक्का दुक्का देखो ये इनकी आग लगाई हुई है, एक जंगल में जब कोई माचिस की तीली लगा देता है उसके बाद वो आग ख़त्म होते हुए वक्त लगता है, कहीं कोई चिंगारी रहती है वो चिंगारी नुकसान पहुंचाती है ज़रूर। उस तरह की आग इन लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुनियादी तौर लगाई, और उनके बाकी जो उनके वो जो बातें कर रहे हैं, कोई और मुजफ्फर है, कोई और है, जिन्होंने लोगों के खून का सौदा किया, जिन्होंने लोगों की हड्डियों के महल बनाए, आज ये साफ शफाफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आग तीली लगी तो फारूक अब्दुल्ला के वक्त में लगी ना, हम तो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और बुझ गई है, कहीं चिंगारी रहेगी वो भी इंशाल्लाह ख़त्म होगी। हमारे भारतीय फोर्स यहाँ पे लगी है इंशाल्लाह, जम्मू कश्मीर पुलिस डट के मुकाबला कर रही, और वो दिन दूर नहीं कि आखिरी मिलिटेंट को भी खलास किया जाएगा। तो आप जो इस पहाड़ी और लोगों की बात अभी हमें चल रही थी, तो उनके लिए आपकी लास्ट मैसेज क्या रहेगी? लास्ट मैसेज उनके लिए ये है, पहाड़ियों की बात पहले एक तरफ, क्योंकि यहाँ पे गुजर बकरवाल जो हैं, अभी आप कह रहे हैं कि रोड पे हैं चंद लोग जो बिकने वाले हैं, आज यहाँ चोंच मारी इस पार्टी के साथ, कल दूसरी पार्टी के साथ मिलते हैं, वो चार पैसे ऐटने की कोशिश करते हैं, रोड पे निकलते हैं, दो चार जवान पीछे खड़े किए, 5-10,000-20,000 रुपया किसी ने फंड किया वो लगाए और ख़ुद को हीरो बता रहे हैं। अगर मैं गांदरबल की बात कर रहा हूँ,
अगर लोगों को निकलना हो रोड पे तो यहाँ पे दुकान शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि इतनी भीड़ में लोग होंगे, लोग नहीं निकल रहे हैं। ये उनके कुछ ये रेलियां जो है ये तो गांधरबल से ही स्टार्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा था। मैं देखो हमारे लोग भी इनके साथ खड़े हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही, क्या हो रहा है। इनकी सफ़ों में हमारे लोग खड़े हैं ना, वो देख रहे हैं इसमें किसके पीछे किसका हाथ है। हम तो सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है। अनकरीब उनको हिसाब देना पड़ेगा कि एक मजलूम कौम को इस्तेमाल करने का उनको मुआवजा मिलेगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे जुनैद अहमद खटाना, ST मोर्चा BJP JNK के वाइस प्रेसिडेंट। साफ तौर कहने का मकसद ये है कि जो 70 साल यहाँ हुकूमत करते थे ये उनकी पर्दे के पीछे चाल है। कैमरामैन दानिश के साथ मैं बिलाल अहमद, प्रेस ट्रस्ट ऑफ कश्मीर, गांधरबल।